फिर तो पूरे हिंदुस्तान को वर्ल्ड को मालूम है कि निर्भया रेप कांड हुआ था दिल्ली में, उसी सब्जेक्ट पर फिल्म है। मुझे सर आप थोड़ा सा कुछ बताइए, क्या क्या आपने जब फिल्म बना रहे थे, क्या क्या आपको चुनौती रही, किस तरह का रिसर्च किया आपने, कुछ बताना चाहिए। हमने इस फिल्म को जब शुरू किया, हमारे जहन में ख्याल आया कि इस पर फिल्म बनाना चाहिए, तो तकरीबन 1.5 से 2.5 साल हम लोगों ने इस पर रिसर्च किए। कई बार दिल्ली गए, तिहाड़ जेल गए, लोगों से मिले, जिस जो ये वकील एडवोकेट्स और जो भी लीगल इसको हैंडल कर रहे थे केस को, उन लोगों से मिले। उसके बाद एक प्लॉट बनाकर इसको फिक्शनाइज करिए हम लोगों ने, एकदम 100% रियलिटी नहीं, ट्रू स्टोरी नहीं, उससे इंस्पायर होकर उसको फिक्शनाइज किए। फिर जहाँ लीगल कुछ मैटर्स थे उसके लिए फिर हम लोगों ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है मिस्टर एस के दास, इन्होंने क्रिएटिवली स्क्रिप्ट को लीगल तरीके से उसको बांधने की कोशिश की। एक टीम वर्क हुआ और काफ़ी मतलब रिसर्च होने के बाद एक कहानी डिज़ाइन की गई, और कहानी ऐसी कि जो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं दुनिया के लोगों को झंझोड़े कि आज जो बात होती है महिलाओं की सुरक्षा की, वो सिर्फ बात है, उसमें प्योरिटी कुछ नहीं है, असलियत कुछ नहीं है। तो उसी को एक सूत्रधार बनाकर फिक्शन कर कर एक मैसेज देने की कोशिश की है और लोगों को पसंद आएगा। नया हम लोगों ने चार्ज शीट को ज़्यादा फॉलो किया है इसमें, अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि 100% चार्ज शीट, लेकिन चार्ज शीट जो फाइल की गई है उसी पे हमारा एज ए डायरेक्टर फोकस है और उसी को ही हमने एक फिल्म का रंग देने की कोशिश की है। सर आपका किस तरह का योगदान है, थोड़ा सा कुछ बताइए कि आपने भी कई सारे वर्कआउट किए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन उड़ीसा, व्हाट हेल्प यू हैव डन फॉर दिस क्वेश्चन आता है। एक्चुअली एक पर्टिकुलर एक इंसिडेंट है, इसको लेके हम स्टोरी बना है। ऑल क्रेडिट गोज टू प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, जो वेटरन डायरेक्टर, ऐसे उनका बहुत सारे चैलेंजिंग मूवी बना है, जैसे लतीफ जानबूझ गया, तो ही इज हैविंग से मास्टरी जो कैसे इस तरह का छोटा इंसिडेंट को लेके कैसे बना सके, नंबर वन। नंबर टू, मेरा योगदान ऐसा है जस्ट टू सप्लीमेंट द थिंग्स, कुछ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जैसे पहले सोचे थे हम लोग का दिल्ली कांड बनाए, अल्टीमेटली दिल्ली बस बनाए हैं, देन लीगल टर्मिनोलॉजी को देखे हैं, फांसी जो हैंगिंग सीन था उसको हटाया है, बिसाइड से दिल्ली का जो स्लांग से उसको भी डाला है, तो एग्जैक्टली सुनाने के लिए बाकी ऐसे ऐसे कुछ किए थे। तो जो भाई पूछे थे पहले के सवाल, मूवी बना नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री 2-3 बना है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री से कुछ अलग है। नंबर वन एंटरटेनमेंट थोड़ा देना है, नंबर टू अवेयरनेस क्रिएट करना है, बिकॉज दिल्ली जैसे राजधानी है महिला सुरक्षित नहीं है, दैट इज द मोस्ट एंड दिस इज द इंसिडेंट। आपको तो पता है जैसे आप ही तो निर्भया नाम दिए थे, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी आपने ही तो दिए थे निर्भया, वार्ड कॉइंड बाई यू, तो इसीलिए कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। मुंबई में ऐसा इंसिडेंट नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का हर शहर में गांव में ऐसे होता है। तो वो जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट को ज़्यादा हम देखा है, जो क्या है, किस तरह हुआ है, दिस इज द अवेयरनेस बेस्ड मूवी एंड द फाउंडेशन इज द चार्जशीट, जो 1000 पेजेस का चार्जशीट है वो हमारा फाउंडेशन है, जहाँ हमारा डायरेक्टर बहुत बार दिल्ली हम लोग गए हैं, तो उसी को बेस करके हम लोग बनाए हैं। मूवी इज रियली वेरी फैंटास्टिक मूवी सो फार। इस पार्ट को आपने इसमें ज़्यादा फोकस करा, निर्भया के पेन्स को कि ना कि उसका जो ट्रायल हुआ जो 4 साल से 6 साल से चलता था उसको ज़्यादा फोकस करा। हमने दोनों पहलू रखे हैं इसमें, एक पहलू जो उसका पेन का है, और उस रात एक लड़की जो अपना इज्जत बचाने के लिए जान से चले जाती है, एक हिंदुस्तानी औरत के लिए इज्जत कितनी बड़ी चीज़ है, तो उसका एक दर्द, और दूसरा हिस्सा कि जो बातें की गई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ये वो एक होता है, बस बातें होती है, और उसको 1-2 साल तक की गर्मी रही, उसके बाद फिर मामला पेंडिंग में जा रहा है, तो एक वो पार्ट वो भी रहे हैं कि उन चीज़ों को हम भूल क्यों जाते हैं, आज दुनिया ने याद रखी है, और उस पर जब तक के प्रैक्टिकली आप अमल नहीं करोगे तो चीज़ें बदलेगी नहीं, और बस आंदोलन होंगी और बातें ख़त्म हो जाएंगी। तो दोनों पार्ट को हमने रखे हैं उसमें। What is the strongest message that you have given through this movie? क्योंकि उसके बाद भी बहुत सी निर्भया
मैसेज ये दिए कि जब आप फास्ट ट्रैक की बात करते हो तो बन जाना चाहिए, विद इन 45 डेज ट्रायल होना चाहिए और जो हैंगिंग का था फांसी का उसको अंजाम तक के पहुंचा देना चाहिए। दिस इज द मैसेज कि अगर आप बात की गई संसद में या कहीं पर भी या पब्लिकली डिमांड की गई है और आपने उसको एक्सेप्ट किया है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट होने में मतलब छठी एनिवर्सरी आ रही है कल, हम फिर वो दर्द पेश करेगा, फिर मीडिया लिखेगा, फिर एक निर्भया, फिर वो और फिर वो कुछ ना कुछ नया हादसा हो जाएगा और फिर वो पुराने हादसे लोग भूल जाएंगे, फिर एक नया इम्प्लीमेंट आएगा, फिर एक नई कहानी आएगी, फिर एक नया बात आएगी। मैं चाहता हूँ निर्भया के बाद कोई डायरेक्टर फिल्म नहीं बनाए, ये फिल्म आखिरी रहे रेप की हो, फिल्म सेंसर में गई है अभी, 28 तारीख को रिलीज की प्लानिंग है, इंशाल्लाह प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी क्योंकि हम इंस्पायर हैं रियल इंसिडेंट से, तो हमने चार्जशीट में जो बताया है वो दिखाया है। अगर चार्जशीट में एक चीज़ें लिखी जा सकती है, एक वकील लिख सकता है, एक जज सुन सकता है, तो क्या आवाम उस चीज़ को विजुलाइज नहीं कर सकती, क्या हम उसको सोच नहीं सकते? तो मुझे ये लगता है कि हमको ये प्रॉब्लम आना चाहिए, सेंसर बोर्ड भी देखता है कि चीज़ें रियलिस्टिक है और रियल चीज़ से इंस्पायर हैं, तो ज़रूर वो मतलब सपोर्ट करेगा और 28 तारीख को पिक्चर शांत से रिलीज होगी। बिसाइड्स बिल्कुल भाई से ज़रा सवाल है, बिल्कुल भाई डांडिया वगैरह करते हैं करवाते हैं उससे डायरेक्ट ऐसे इसमें जंप करना और क्या कुछ इसका आज जब आपके पास कहानी आई तो क्या कुछ आपको इम्प्रेस किया कि हाँ इस फिल्म को बनानी चाहिए, लोगों को इसमें लाना चाहिए? बिकॉज की निर्भया की जब हम बात करते हैं तो निर्भया का कोई भी ऐसा पहलू राइट तो कोई ऐसा पहलू जो बचा था जिससे जिसके माध्यम से आप ये फिल्म लेकर आए हो वो लोगों को बताना चाह रहे हैं और डांडिया के बारे में बताएं कि कैसे आप वहाँ से यहाँ फिल्म में कैसे कर रहे हैं? आप सब जानते हैं डांडिया में लास्ट 10 साल से करता हूँ, वो भी एक सोशल वर्क टाइप का काम है और ये जो फिल्म है उसमें भी कॉमर्शियली तो है ही है पर सोशली भी लोगों को सोचने में बहुत मदद मिलेगी ये फिल्म देख के ये किस तरह से ये एक्चुअली हुआ, क्योंकि सबने ये चीज़ ना पूरी तरीके से देखी होगी ना पढ़ी होगी, बहुत लोगों ने देखी पढ़ी होगी पर जिन्होंने नहीं देखी है वो फिल्म माध्यम से पूरी तरह से इसको समझ पाएंगे कि क्या एक औरत का दर्द है, क्या एक लड़की के साथ ये घटना होती है, उसको क्या क्या तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो आपको कैसे किया इस फिल्म को जोड़ने के लिए? बस ये सरिक भाई मित्र है, उनके आगे के जो 3 पिक्चर बने हैं वो मैंने देखे हैं तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और ये एक अच्छी स्टोरी लेके आए हैं तो मैं भी जुड़ूँ। वैसे फिल्म लाइन से थोड़ा बहुत कनेक्टेड पहले से हूँ पर इस तरह से डायरेक्टली पहली बार नजर आता है जब आइडिया होती है। हाँ वो तो माता रानी की कृपा है। आपसे मेरा सवाल है, पोस्टर जो नजर आ रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, क्या है ये पोस्टर? अपने आप में कहानी है, ये एक आवाज़ है, एक आवाज़ है हिंदुस्तान की औरत की, एक आवाज़ है हिंदुस्तान की बेटी की, हिंदुस्तान की महिलाओं की, कि ये दर्द ये चीख और ये हमारा कैपिटल है नीचे, ये आवाज़ कैपिटल से आ रही, कोई गांव से नहीं आ रही है। जब कैपिटल में ऐसी चीख हो सकती है तो रूरल एरियो में क्या होगा, छोटे शहरों में क्या होगा, वो एक कहानी बता रहा है पोस्टर। सुनील पाल भाई, आपने बड़े इस विषय को भी आपने देखा था और तरह तरह से आपने अपनी बात रखी, अब क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हम लोग कलाकार, सभी जो कलाकार होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, बेसिकली हम जो कलाकार होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं। हम कलाकारों का भगवान से हमेशा अनुरोध प्रार्थना यही होती है कि देश और दुनिया में कोई ऐसी घटना ना घटे जिसकी वजह से दुख का वातावरण हो, क्योंकि हम कलाकार चाहते हैं कि खुशियां फैलाते रहें। तो जब भी कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो बहुत एज ए कलाकार मैं बहुत आहत होता हूं, बहुत दुखी होता हूं, ऐसा लगता है जैसे ये घटना उनके साथ नहीं मेरे साथ में, मेरे परिवार के साथ, मेरे घर पे हुई है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मैं अंदर से बहुत हिल जाता हूँ जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है चाहे किसी के साथ। तो ये जो दुर्घटना हुई तो ये बहुत ही दुखद घटना है, इसके लिए जितनी सभाएं रखी गई, जितनी मोर्चे रखे गए, आंदोलन रखा गया, सब में मैंने हिस्सा लिया और मेरी भगवान से यही प्रार्थना थी उस वक्त भी कि हे भगवान इस टाइप का वातावरण किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। तो जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना भी बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत कह सकते कि हिम्मत का काम है, क्योंकि इसमें कानूनी रुकावटें बहुत आती है, सेंसर की रुकावटें बहुत आती है,
लोग सामने नहीं आते क्योंकि रियलिस्टिक रियल कहानी है। तो ऐसे में मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, विपुल भाई को बहुत बधाई देता हूँ, डायरेक्टर साहब को बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऐसा मजबूत कदम उठाया और इस सच्चाई को, स्ट्रगल करना पड़ा इनको, लेकिन आज भी ये डटे हुए और भगवान ने चाहा और अगर निर्भया की आत्मा कहीं ये देख रही है तो वो भी ईश्वर से प्रार्थना करेगी कि उसके जीवन में जो कुछ हुआ है वो इस फिल्म की कहानी के माध्यम से लोगों तक पता चलेगा। तो वो भी मेरे ख्याल से भगवान से प्रार्थना करेगी कि जल्द से जल्द ये फिल्म रिलीज़ हो और जितने जल्दी ये फिल्म रिलीज़ होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक कन्फ्यूज है कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था, कहानी किसी को क्लियर पता नहीं है, इस फिल्म के माध्यम से पता चलेगी। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और मेरी जहाँ जहाँ मैं इस पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई दुखद वातावरण कहीं निर्माण ना हो, लेकिन कभी ऐसे समाज से जुड़ा कोई ऐसा काम हो जहाँ पर ऐसे कलाकार मैं कहीं भी सेवा में शामिल हो सकता हूँ तो मैं हमेशा जितनी इनकी मजबूरियाँ हैं सरकार से, सरकार की डबल मजबूरी है, सरकार के हाथ भी बहुत जब फंसे हुए रहते हैं, लेकिन ये किसी दुर्घटना के लिए हित का काम नहीं करती है। मुझे लगता है कि सरकार को अपनी सारी चीज़ें भूल कर जो रियल खास का बोलूँगा इंसाफ की ज़रूरत है या जहाँ पर रियल फैसले लेने चाहिए वहाँ पे तुरंत ये फैसले ले लेने चाहिए थे, अब तक इतना लेट नहीं होना चाहिए था, इस बात का मुझे बहुत दुख है। लेकिन आदरणीय न्यायाधीशों पर और हमारे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट पर, सब सारे न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन लेट हो रहा है ये बात सच है। और एक न्यूज़ लास्ट ईयर कांस में स्क्रीन हुई है, कांस फिल्म फेस्टिवल में, तो लोग आपने देखे होंगे, तो वहाँ भी काफ़ी लोगों ने मतलब अप्रिशिएट किया इस पिक्चर को और अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कांस में। सर मैं आपके बात को जवाब देना चाहूँगी, अम्मा का नाम है और मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं नवरात्रि टाइटल्स जीतती हूँ, इनसे तो मेरी मुलाकात शायद 3 साल से हुई है, लेकिन इतने सालों से मैं नवरात्रि खेलती आ रही हूँ। जो बहुत अजीब सा देश है हमारा, जो हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हम माँ को देवी मानते हैं, हम पूजा करते हैं देवी की नवरात्रि में, और यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो आई थिंक इससे मैं बेहतर कुछ भी नहीं कह सकती हूँ कि विपुल शाह जी आपने ऐसी बात सोची, और जो विपुल शाह जी वो करते हैं वो उनकी मम्मी के नाम पे जो नवरात्रि भी करते हैं वो अपने दिल के लिए करते हैं, बस इसी के लिए करते हैं कि सेलिब्रेशन हो, देवी की पूजा हो, उसी माध्यम से सब मिलें और सब इकट्ठे स्विंग टुगेदर करें जैसे हम साथ में रहें। और यही फिल्म के लिए हम कहते हैं कि हम जहाँ औरत को हम लड़कियों को हम देवी मानते हैं वहाँ पर ही हम ऐसे सुलूक करते हैं, तो ये बहुत अजीब सी बात है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये 28 को फिल्म ज़रूर रिलीज़ हो, कि हमें 4 दिन हैं 2018 के लिए, इन 4 दिनों में इतना सारा सोशल मीडिया पे सभी लोग अपने अपने कमेंट्स डालें कि 2019 से एटलीस्ट ऐसा कुछ ना हो फिर से, तो ये सब आपके हाथों में है फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया कि हम इतना इम्पैक्ट क्रिएट करें दैट एवरीवन, बिकॉज सीरियसली खून होता है, आई मीन इट इज़ अनबिलीवेबल कुछ ऐसा हो सकता है, और फिल्म देखने के बाद तो सब कुछ ताज़ा हो जाएगा। सो आई एम श्योर दैट बहुत सारे हम कमेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे, बट मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आपकी टीम को। मैं हमेशा सोचती थी कि ये ट्रू फैक्ट्स क्यों नहीं आते हैं बाहर, सो रियली थैंकफुल टू द एंटायर टीम फॉर दैट। सपोर्टिंग कास्ट में नीलिमा अजीम जी हैं जिन्होंने निर्भया का माँ का रोल प्ले किया है, और एक है अंजन श्रीवास्तव जी जिन्होंने जज का रोल प्ले किया है, उसके अलावा काफ़ी नए और पुराने चेहरे हैं। मेन लीड किए दिव्या सिंह ने जो इंट्रोड्यूस किए हमने NSD से थिएटर से आर्टिस्ट उठाए हैं, और उसके अपोजिट में संजय सिंह है वो नया जोड़ा है उनको इंट्रोड्यूस किए हैं, बाकी सपोर्टिंग कास्ट है। और म्यूजिक डायरेक्टर बबली हक है, सिंगर अमन तिरखा है और पमिता दत्ता, और कैमरामैन जिगर मिस्टर जिगर कैमरामैन है। शूट ये दिल्ली में हुई है 60% 20% हाईवे रोड के ऊपर नेशनल हाईवे पे, और बाकी 20% बॉम्बे में, 3 चंक में फिल्म शूट हुई है। और इसको हमने मैक्सिमम कहानी जो है हमारी बस में 1 घंटा 20 मिनट तक के बस में फिल्म उस रात की है, जो एग्जैक्ट जो सीन हुआ था हमने कोशिश की है, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने एक आर्टिस्ट ने सिनेमेटिक लिबर्टी लेके थोड़ा फिक्शनाइज करके उन चीज़ों को ऑडियंस तक पहुँचाने की कोशिश की है, काल्पनिक रूप से, लेकिन लोग पहुँच जाएंगे वहाँ तक के वो जो कल्पना है वो शायद लगेगा कि हाँ ऐसा होता है, और उससे एक दर्द, एक मैसेज, एक संदेश मिलेगा और लोग मतलब उससे मतलब सबक लेंगे। चलिए, विश्वास।
हमारी कोशिश है उनका पूरा परिवार, उनके सभी लोग देखें, और काफ़ी कुछ और प्लान है इंशाल्लाह धीरे धीरे सब। हम जैसे पिक्चर रिलीज करीब आएगी तो मीडिया से हम बातें हुई, ऑफिशियली कुछ बात नहीं हुई, लेकिन आइडिया निर्भया के बारे में, उसके फ्रेंड सर्कल के बारे में, वो कहाँ रहती थी, कहाँ पढ़ती थी, क्या उसकी सोच थी, क्या पसंद करती थी, क्या ना पसंद करती थी, क्या उसका बिहेवियर था, हमने नेचर कल्चर रूटीन लाइफ सब जानने की कोशिश की, लेकिन ऑफिशियली मतलब उसका कोई हमारी सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि बहुत देर हो गई मुझे आने में। मैं दिव्या सिंह, और अभी मैंने शारिक जी की एक फिल्म की है जिसका नाम है डेली बस, जो निर्भया रेप केस के ऊपर है, रियल स्टोरी पर, और इनके साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। पहली फिल्म है, डेब्यू फिल्म है, तो मेरे लिए चैलेंज वाला भी कैरेक्टर रहा है निर्भया का, क्योंकि जिस तरह से निर्भया के साथ में हुआ था उसको तो खैर पूरी दुनिया ही जानती है, बताने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी इनके साथ में काम करके अच्छा लगा शारिक जी के साथ। जी जी डेफिनेटली ये एक चैलेंजिंग वाला कैरेक्टर था, क्योंकि यू नो कि किसी भी एक्टर के लिए पहली फिल्म ऐसा मिलना, ये तो खैर लकी बात होती है, और बाकायदा मैंने मेहनत भी की, शारिक जी ने भी काफ़ी मेरे ऊपर मेहनत की है, लेकिन अच्छा लगा काम करके मुझे। हाँ, वर्कशॉप हुए थे काफ़ी, और मेहनत तो की थी। एक्चुअल में हम लोग जब कास्टिंग कर रहे थे दिल्ली बस के लिए, तो हमारा ये मोटो था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको जस्टिफाई, इसको मतलब सिमिलरिटी मिले कैरेक्टरों में, तो विलन्स भी हमने उसी तरीके से दिए। हीरोइन को लेकर हमारी काफ़ी स्ट्रगल चली, तकरीबन 13 महीने हम लोग लड़की का ऑडिशन करते रहे, स्किन टेस्ट चलते रहे, तो कोई लड़की मिलती है तो अजीब, बड़ी खूबसूरत भी होती है, लेकिन निर्भया बहुत खूबसूरत भी नहीं थी, क्लोजी कोई मिलती है तो लाइक के थोड़ा सा अलग टाइप का कल्चर, बंगाली फील, हमको नॉर्थ इंडियन एक्सेंट फील चाहिए था, और लैंग्वेज पे भी कमांड चाहिए था नॉर्थ इंडियन की। तो करते 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 अचानक इनसे मुलाकात हुई, थिएटर कर रहे थे कहीं जू में, तो मैं उस टाइम शो देखने गया था थिएटर में, मुझे लगा कि यार उस तरीके की थोड़ा सा मुझे फील आ रहा है निर्भया के इसमें, और आर्टिस्ट वो अच्छा काम कर रही है, तो उसके बाद मैंने इनसे बात किया, और कहा इस टाइम जब कहानी सुनाया है तो ये तो पहले डर गए थोड़े से, ये तो बहुत कड़क है, बहुत वो है, मैं कर पाऊँगी, मैंने ये तो डेरिंग का काम है, पहले आप ये सोच लो कि आपको जंग लड़ना है, ये कोई आसान रोल नहीं कि आओ जाओ डायलॉग बोलो नाचो गाओ और घर जाओ, ये एक चैलेंजिंग है, अच्छा करेंगे तो मज़ा है, इज्जत है, वरना मजाक भी बन जाएगा, और मैं तो स्टेप कर दूँ अगर आपने अच्छा नहीं करे तो। 4-5 दिन उन्होंने सोचने को मांगे, फिर उसका स्क्रिप्ट बुलाया, फिर स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ने के बाद में तो ये बोले सर ये पिक्चर मैं करना ही चाहती हूँ, मुझे 4 महीने वर्कशॉप करना पड़े, 2 महीने, लेकिन मैं ये करूँगी ही करूँगी, इसके पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि निर्भया के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो कम से कम ये फिल्म करूँ। एग्जैक्टली बॉम्बे में ट्रैफिक का तो बहुत रहता है, सो इस वजह से, इसलिए मैंने सबसे पहले सॉरी बोला कि सेट पे बहुत उन्होंने अच्छे से काम किए, और जिस तरीके की हमको रिक्वायरमेंट थी कि एज ए डायरेक्टर ऐसे शॉर्ट्स मुझे चाहिए, तो उसको पूरा अंजाम तक के उन्होंने देने मतलब कोशिश किए, और वो अच्छी फोर्स लगाई, और शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस। आप जब पिक्चर देखेंगे तो मुझे ही लगता है कि आप सोचोगे दिव्या, आप 100% बोलोगे दिव्या, और ये जो हो रहा है हम लाइव देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट ए मूवी, ये मेरा मतलब इनके हमारे इनकी एक्टिंग में कॉन्फिडेंस है। प्रेस शो रखेंगे जब आप? हाँ, इंशाल्लाह प्रेस शो होएगा रिलीज़ के पहले आफ्टरनून में। तो मेरी पहली फिल्म थी, आप जानते हैं चांद बुझ गया से मैंने डेब्यू किया था, गुजरात कांड पे थी, गोधरा कांड पे, बॉम्बे हाईकोर्ट से केस जीता था। दूसरी मेरी लतीफ़ थी जिसका रीमेक शाहरुख खान ने किया रईस, उसके बाद चिनार आई थी मेरी। तो हम तो प्रेस शो हमेशा रखते हैं और अच्छे से रखते हैं, तो इंशाल्लाह प्रीमियर के पहले प्रेस शो होएगा इवनिंग या आफ्टरनून में, तो आप लोगों को स्पेशल बुलाया जाएगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे और मज़ा लेंगे। और मज़ा तो नहीं लेंगे मैं क्यों, इसका ये कहानी ऐसी मज़े की बात ही नहीं है, ये कहानी एक ऐसी है कि जो आपको तो मतलब एहसास दिलाएगी कि मतलब एक औरत और एक कल्चर और हिंदुस्तान की आज फिलहाल पोजिशन किसी है, हम किस किस जोन में जी रहे हैं,